अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा इलाके में फिर बड़ी चोरी की घटनाएं। लॉकडाउन में चोरों के है हौसले बुलंद। लॉकडाउन के दौरान मुमरा कोसा सील फाटा और मुमरा बाईपास पर चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अक्सर देखा गया है कि चोर टू व्हीलर, रिक्शा और कार चुराते हैं, मगर आज मुमरा बाईपास पर एक सीमेंट मिक्सर से चोर दो बैटरी जैक टूल किट चुरा ले गए। आपको बता दे, मोहम्मद शौकत अली जो मुमरा के श्रीलंका में रहते हैं और सीमेंट मिक्सर चलाते हैं। बताया जा रहा है कल यानी 3 जुलाई को मोहम्मद शौकत अली ने न्यू मुंबई के बेलापुर रेती बंदर से अंबुजा सीमेंट से भरा मिक्सर शाम 5 बजे लोड किया और इसी सीमेंट को ठाणे में खाली करना था, मगर टाइम हो जाने पर और सुबह 5 बजे ठाणे बुलाए जाने पर मोहम्मद शौकत अली ने बाईपास पर माच होटल के पास इस सीमेंट मिक्सर को पार्क किया और अपने घर चले गए। सुबह 5 बजे जब शौकत अली अपनी गाड़ी के पास आए तो देखा गाड़ी के ड्राइवर साइड का कांच टूटा हुआ है। जब उन्होंने गाड़ी के कैबिन में जाकर देखा तो पता चला चोरों ने इस ट्रक से 2 बैटरी, 2 जैक और टूल किट चुरा लिया है। इस पूरे मामले में ट्रक चालक मोहम्मद शौकत अली ने क्या जानकारी दी है, आप सुनिए। इससे पहले जो है भाई गांव के सामने गाड़ी लगाते थे, उसी 3 गाड़ी में 5 बजे का डीजल चोरी हुआ। मुमरा चौकी भी गए, वहाँ भी कंप्लेंट नहीं लिया। टाइगर चौकी गए, वहाँ भी कंप्लेंट नहीं लिया। फिर यहाँ से मालूम पड़ा वो लोग को कि वो रात को एक पकड़ाया था, तब चला गया था, एक पकड़ाया था, उसको मार मार के जो उन लोगों ने छोड़ दिया, वापस उसको लेके नहीं गया। मैं वहाँ गया तो हम लोगों को कंप्लेंट लिया नहीं। फिर उसके बाद ये एक हफ्ता हुआ नहीं है, फिर गाड़ी से बैटरी या जितनी सामान थी गाड़ी के अंदर सब चोरी। आपने जो कहा है कि पहले मेरी गाड़ी खड़ी गांव में थी, उधर से वहां से हमारा डीजल चोरी हुआ था, ठीक है। अब तुमने जो गाड़ी पार्किंग किए थे वो कहां पे किए थे और उसमें से क्या क्या चोरी हुआ है? उसमें से अभी ये मार्ग के सामने गाड़ी खड़ी है, वहीं से अभी गाड़ी लगाए हुए, थोड़ा बस भी खड़ी होती है, छोटी गाड़ियाँ भी पार्किंग होती है, वहीं से जो है राइट साइड का कांच चोर करके और उसके बाद जो है वो गाड़ी अंदर जा करके बैटरी, जो प्रेशर जग था और बहुत सारा गिलपाना रेड वर्ड वर्ड था और फिर सब सामान सरकार उसमें लोहा लक्कड़ जो भी जितने गए थे सब लेके चले। तो उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करने गए थे तो कहाँ पे गए थे? वो मुमरा चौकी में गए थे अभी, तो मुमरा चौकी में जब गए तो वो कंप्लेंट लिया नहीं। तो आप जिसके पास मुमरा पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट करने के लिए, तो कौन सा ऑफिसर है जिसने आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी? उनका नाम तो उनका मालूम नहीं है, लेकिन वो एक नंबर लिख करके दिए थे फोन नंबर। वो बोले थे कि अगर वो आरोपी पकड़ा जाए, तुम्हारे सामने दिख जाए, किसी पे शक है कि ये लेके गया है मेरे गाड़ी से, ये नंबर तो फ़ोन करो, हम उसको आकर के अरेस्ट कर लेंगे, मतलब तो उनको हम बोलेंगे तो वो अरेस्ट करेंगे। उसको बोला कि तुमको जिस पे शक है उसको बोलो, मैं उसको अरेस्ट कर लूँगा। वहाँ कुछ बोले लेकिन वहाँ कुछ जवाब दिए नहीं, वो लोग मराठी में क्या आपस में बात किए नहीं किए कुछ बोले नहीं, और वहाँ से हम लोग को वापस भेज दिए। बोले जिस दिन भी तुमको वो दिख ही जाए या शक हो जाए, फ़ोन नंबर दे, बोले फ़ोन कर देना, हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। की चोरी हुई है लगभग, नुकसान जो है इसमें जो है लगभग 20 से 25 हज़ार का नुकसान है। बैटरी है जगह, ये 20 हज़ार का बैटरी और जट का सामान, 5 हज़ार का दूसरा का जो सामान था वो है पूरी है, लगभग 20 से 25 हज़ार का नुकसान है गाड़ी का अभी फिलहाल, और 5 तारीख में पहले गया था। मुमरा पुलिस चौकी गए थे तो आपकी कंप्लेंट ली थी या नहीं? नहीं, कंप्लेंट वो लिए नहीं। क्या कहा कि वापस कर दिए? हाँ, वो वापस कर दिए, कुछ भी नहीं वो किए, वो 1 घंटा बैठाने के बाद वापस कर दिए। बोले 10 मिनट में सर आ रहा, 10 मिनट में आ रहे, वो 4 वहाँ से आए, वो हमसे पूछे, बोले क्या हुआ, बोले ऐसी बात है, तो गाड़ी का प्रॉब्लम बताया, बोले कहाँ रहता है, बोला लंका में रहता है, वो इतना बोलना और वो आपस में मराठी में क्या बात की हमें समझ में आया नहीं, और वो सीधे बोले फ़ोन नंबर लिख के दिए, बोले जाओ आरोपी मिल जाएगा, फ़ोन करना, मन को गिरफ्तार कर लिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।